दुर्गादास जी यानी दुर्गेशदास जी। श्री राम जानकी मंदिर अयोध्या अपना अमूल्य समय निकाल करके जरूर आएं और हम अपने चैनल पर यहाँ की वीडियो डालते रहेंगे। सुबह हो गई है और आज बाबा ने अनाउंसमेंट किया, आज 9 बजे से शुरुआत होगा। टाइम जो है मेरे घड़ी में 9 बज गया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छा होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज की न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज है श्री राम जानकी मंदिर पर 100 महीने का अखंड रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। शामिल होंगे और पाठ भी कुछ करेंगे। देखते हैं कौन कौन से लोग वहाँ पे आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मंदिर में क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं सब कुछ जानने को मिलेगा। और निवेदन ये रहेगा कि जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 125 महीने का रामायण का पाठ सुबह से शाम तक होता है। या आप लोग अपना नित्य प्रति कार्यों को देखते हुए 1 घंटे का अमूल्य समय जरूर यहाँ दान में दे। तो चलते हैं और शामिल होते हैं वहाँ पे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, सुबह भी अच्छा हुआ है, मज़ा आ रहा है। तो प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ के महंत श्री दुर्गादास जी यानी दुर्गेशदास जी यहाँ का रामायण का पाठ शुरुआत करवाते थे, लेकिन इस वर्ष जो उनका श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पुजारी के रूप में उनका चयन हो गया, चले गए हैं वहाँ पे। इस बार देखते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इस बार मंदिर में सब लोगों के साथ रामचरितमानस का पाठ शुरुआत सहभागिता लेने में। चलते हैं। और यहाँ के घड़ी में 9:30 हो गया है, लग रहा है शुरू हो गया। दस बजे शुरुआत होगी, मुझे लगा कि 9 बजे शुरुआत होगा। माइक का कारभार जो है ठीक किया जा रहा है। क्यों सचिन कुमार? हाँ,
इस तरह से श्री रामचरितमानस पाठ का शुरुआत सवा महीने का हो गया और यह लगभग एकादशी आज है। ऐसे लोगों से लोगों ने भी कहा और आज एकादशी के दिन शुरू होता है। एक महीने एक हफ्ते तक के चलने वाला है श्री रामचरितमानस का पाठ। श्री राम जानकी मंदिर में यह शुभारंभ आज हुआ, बहुत अच्छा लगा। और निवेदन है खास करके जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें जानते हैं, उन लोगों से कि अपना एक अमूल्य समय निकाल करके इस मंदिर में आएं और श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ने का पूर्ण के भागीदारी बने। तो इस तरह से पिछले वर्ष यहाँ के महंत श्री नटवर नंद किशोर दास यानी कि दुर्गेश दास जी के सानिध्य में यह है श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ था। और इस वर्ष आपको बता दें, बहुत हमें खुशी हो रही है, इस वर्ष वो श्री राम जानकी मंदिर अयोध्या वहाँ के वो पुजारी के रूप में चयनित किए गए हैं। और अब इस राम जानकी मंदिर पर शत्रुघ्न दास जी यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में यह अखंड रामायण का पाठ आज प्रारंभ हुआ, जो कि इस नगर के लिए, यहाँ के लोग के लिए,
इस स्थान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम जानकी मंदिर का पाठ नित सुबह शाम लोगों को कानों में सुनने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों से गुजारिश है अपना अमूल्य समय निकाल करके जरूर आएँ और इस पूर्ण के भागीदार बने। दोस्तों इस तरह से ये है सवा महीने का अखंड रामायण पाठ का यह प्रोग्राम चलता रहेगा और हम अपने चैनल पर यहाँ की वीडियो डालते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप भी हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे, जिससे लोगों को यह जानकारी मिल सके कि इस जगह पे लगभग 45 वर्षों से यह श्री रामचरित्र मानस अखंड रामायण पाठ होता आ रहा है और सभी लोग इसके सहभागी बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बखर।